क्या कार्यक्रम यहाँ रखेंगे? कार्यक्रम एक्चुअली हमें देखने जाएंगे ना, तो मतलब जो मनुस्मृति है जिसके कारण 5,000 साल तक जो बहुजन वर्ग है जिनको पिछड़ा कहा जाता है, मनुस्मृति के हिसाब से उसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ जाति व्यवस्था डाली गई, तो जो चमार है वो चमार का ही काम करेगा, जो मार है वो मार का ही काम करेगा, कभी उसको पढ़ लिख के आगे आने का अधिकार ही नहीं दिया गया। उस मनुस्मृति को ये बीजेपी सरकार, राज्य सरकार अपने सिलेबस में लाके क्या कहना चाहती है? हाँ, तो हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी ट्राई किया और वो सिलेबस में लाने का ट्राई किया, तो हमेशा की तरह जिस तरह पुरोगामी विचार, जो मतलब शिव साहू फुले अंबेडकर जी के विचार है, उनको हमेशा बचाने के लिए जो आवाज़ हमेशा उठती है वो है डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब, और उन्होंने हमेशा की तरह आगे गए और उसका निषेध दर्शाया। तो उसका निषेध करते टाइम उसमें एक बाबा साहब की फोटो थी जो कि मनुस्मृति जलाते टाइम थी, तो मनुस्मृति फाड़ते टाइम बाबा साहब की फोटो भी उसमें फट गई, बट गलती से। बट डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने उसकी तुरंत माफ़ी मांगी, जबकि वो अगर माफ़ी नहीं भी मांगते ना तो भी हमारा बहुजन समाज इतना मतलब समझदार है कि वो समझ जाते कि बाबा डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने वो जानबूझ के नहीं किया है। क्योंकि जो आदमी संविधान बचाने के लिए अपना नाम मर्डर लिस्ट में डाल सकता है संघ के, वो आदमी वो बाबा साहब का फोटो क्यों फाड़ेगा? लेकिन भाजपा जो है उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है, वो करेगी। भाजपा का काम ही है करना, खाली नौटंकी करना। आज तक उन्होंने किया क्या है? लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहती है बस, बाकी कुछ नहीं इसमें। उन्होंने आज तक किया क्या है? जहाँ जहाँ स्टैंड लेना चाहिए संविधान का लिया क्या? सब जगह पे जहाँ पे औरतों को नंगा किया जाता है, मारा जाता है, वहाँ पर तो उनके एमएलए लोग ये निकलते जुलूस निकलते कि भाई इनके समर्थन में रहो। उन्होंने आदर्श रखा क्या है देश के सामने? हाँ, तो उनका काम है नाटक करना खाली, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो शिव साहू फुले अम्बेडकर जी का विचार आगे लेके जाने वाले जो लोग हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब जैसे, तो उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। उनका मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आवाज साहब डर जाएंगे, दब जाएंगे, और उसके बाद बहुजनों का आवाज़ दब जाएगा। बट मैं कहना